storytelling to save lives. It creates and distributes game-changing health and well-being content across MTV channels and third-party broadcasters. Presenting the first Indian female singer to collaborate with the UN for women's empowerment, and she's also our cause supporter for MTV Nishedh, Neeti Mohan. Such a pleasure to be here today amongst you all, and what a cause to be a part of. So I'm so happy that I have sung this song, and Chirantan has composed it, and Manoj Yadav has written the lyrics, and it's something that is so important, and we need to talk about these issues. I think there are some things we learn at home from our parents and some things we learn outside. So let's create a safe environment so that we all learn from our experiences and have a positive outlook towards life and positive and memorable experiences. Good afternoon, everyone. Thank you, Galen. That was a very nice introduction. Hello, everyone. The lights are really bright, so I'm going to keep moving around. Firstly, thank you so much for coming here. This is a very special cause, a very special project. जब मुझे पहली बार MTV निषेध के बारे में पता चला और जब उन्होंने मुझे बताया कि किस प्रकार का ये प्रोजेक्ट है, क्या सीरीज है, किन टॉपिक्स के बारे में वो बात कर रहे हैं, आई वॉज सो इम्प्रेस्ड. क्योंकि ये ऐसी चीज़ें हैं जो टेक्निकली हमें हमारे घर पे इन चीज़ों के बारे में कॉन्वर्जेशन होनी चाहिए, इन चीज़ों के बारे में हमें स्कूल में सिखाया जाना चाहिए. ये चीज़ें टैबू नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये चीज़ें टैबू हैं, और इन्हीं टैबू को तोड़ने के लिए MTV निषेध शुरू किया गया है. ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो मेरे लिए बहुत स्पेशल है, क्योंकि मैंने हमेशा यही कोशिश की है कि अपने किरदारों के थ्रू, अपने कैरेक्टर्स के थ्रू, जो फिल्में मैं करती हूँ उनके थ्रू मैं एक चेंज ला सकूं, एक अपने जेंडर को एम्पावर कर सकूं, यू नो, एक माइंडसेट शिफ्ट कर सकूं. एंड MTV निषेध भी वही करने की कोशिश कर रहा है. जिस तरीके के टॉपिक्स के बारे में ये सीरीज़ बात कर रही है, बी इट सेक्स, सेक्सुअल हेल्थ, कॉन्ट्रासेप्टिव, न्यूट्रिशन, जो एक डिस्क्रिमिनेशन होता है दोनों जेंडर्स में, स्पेशली छोटे शहरों में न्यूट्रिशन को लेके या अलग अलग चीज़ों को लेके, ऐसे टॉपिक्स के बारे में MTV निषेध बात कर रहा है. एंड आई फील सो प्राउड कि मैं उनकी एम्बेसडर बन पाई, कि मुझे ये मौका मिला कि मैं इन्हें सपोर्ट कर पाई, क्योंकि ये बदलाव लाना बहुत ही ज़रूरी है, और ये बदलाव तभी होगा जब हम इन चीज़ों के बारे में बात करना शुरू करेंगे. सो कंग्रेचुलेशंस, एंड या थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, एंड थैंक यू कि आपने मुझे अपनी इस जर्नी का हिस्सा बनाया. कोशिश हमेशा यही रहेगी, स्पेशली एज एक्टर्स, कि आपको एक पावर दी जाती है कि आप अपने काम के थ्रू आप लोगों तक पहुँच पाए, और अगर आप उस पावर को एक किसी अच्छे काम में यूज़ कर पाए, देन यू आर एक्सट्रीमली लकी, और एक बहुत ही फुलफिल्ड फीलिंग आती है, और आज वैसा ही एक दिन है. तो अब मैं आपको MTV निषेध के उन किरदारों से मिलवाती हूँ जो इंडिया में इस बदलाव की शुरुआत करेंगे. पहली है आस्था. मिलिए राजस्थान से मुंबई आई आस्था से, जिसने यहां आकर खुद को ही नहीं अपने सपनों को भी पहचाना. ये सोसाइटी भले ही मेरे सपनों को निषेध माने, पर मैं उनके लिए लड़ूंगी भी और जीतूंगी भी. मिलिए मानव से, जो अपने बोल्ड आइडियाज से सिर्फ अपनी ही नहीं औरों की जिंदगी की प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करेंगे. सोसाइटी के नजरों में भले ही ये निषेध क्यों ना हो, लेकिन प्राइवेसी और पर्सनल स्पेस हर इंसान का हक होता है, और इसी आइडिया को लेकर मैं दुनिया की सबसे बड़ी स्टार्टअप शुरू करना चाहता हूँ. वेल डन मानव. इस शो में मेघा की बुलंद आवाज उन सारे बैरियर्स को तोड़ती है जो हमें खुलकर बोलने से रोकते हैं. निषेध का मतलब है प्रॉब्लम को पहचानना, उसके बारे में बात करना, और फिर प्लीज सीक हेल्प एंड सपोर्ट. ये है रिद्धि,
जिसकी लाइफ लैक ऑफ नॉलेज के कारण खतरे में पड़ गई थी। अगर ये सोसाइटी मुझे मेरा फ्रीडम ऑफ चॉइस देती तो मैं अपनी लाइफ के डिसीजंस सही तरीके से लेती। इस सफर में आप विकी से भी मिलेंगे, जिसे टीबी की बीमारी की वजह से कई मुश्किलों और भेदभाव का सामना करना पड़ा। अगर टीबी के इलाज के बारे में मुझे पहले से पता होता तो शायद इलाज और आसान हो जाता। एंड फाइनली देयर इज गुड्डी, हु रिप्रेजेंट्स ओवर हाफ ऑफ ऑल गर्ल्स एंड वुमेन इन इंडिया सफरिंग फ्रॉम एनीमिया। पर उम्र में वो जितनी छोटी है उतनी ही बड़ी बातें सिखा जाती है। This is it, ladies and gentlemen. ये है MTV निषेध की कास्ट। किरदार है, आई हैव टू टेल यू, आई थरली एंजॉय ऑल द कैरेक्टर्स यू प्ले, सिंपली बिकॉज आई थिंक ऑन वन हैंड यू कैन रिलेट टू द गर्ल दैट यू प्ले, एंड ऑन द अदर हैंड यू आर जस्ट इन ऑ ऑफ दिस पर्सन हु इज हु ऑलमोस्ट ऑलवेज इन मोस्ट ऑफ योर कैरेक्टर्स इज वेरी बोल्ड एंड वेरी रिस्की एंड हाउ डू आई से वेरी चटाकेदार। आई रियली रियली लाइक दैट। धमाकेदार, शी इज अ धमाकेदार। Yeah, she's a girl who has an opinion. Always. You know, which is rarely seen on celluloid. Yes. You know, we usually show our women as very demure, you know, that are very submissive. But I think over the last few years, with the work that I and my colleagues are putting in, or the kind of initiatives that are being started, the kind of conversation that has started, things are changing, right? And even at the start, what I said earlier was, when I was told about MTV Nisheed, I said, you know what, this is exactly what I'm trying to do with my films. And here we have a platform that reaches out to literally, I mean, as we all know, MTV is the largest youth platform. Yes, number one youth brand, guys. And the reach is immense, you know. It's on digital, people can watch it whenever they want. And I think the effect is going to be very hard hitting. I said, okay, this is my way of being a part of the service that I want to do. So I was extremely excited, and again, congratulations everyone, because everything that you're doing here is so important. There are so many conversations that need to be started, you know, be it sexual health. Like, I have done films on literally everything possible that I feel passionately about. I did Shubh Mangal Savdhan, that was on a sexual disorder, and that was a complete taboo, okay? And then we've turned it into a film, and it's had a very big effect. I've done a film on the poor sanitary, on the poor sanitation in India, and we've really seen a jump in the open defecation percentage that Asia has seen. So I realized the power of this medium, and I think it's great that we are using it, and especially the topics that you guys are discussing, right? Like, be it sexual health, a girl needs to know that it is her right to ask for a contraceptive. She should not be ashamed going to a chemist and asking for a condom. They can't even say the word condom, you know, because they are so scared, you know. If, as Sir said, when I heard the statistics that Sir just said, you're 12 million illegal abortions, you know, the kind of danger that we are putting our girls into, I mean, why should they feel ashamed? You know, where teenage pregnancy is concerned, there's no education. Half of them are scared going and telling their parents that, okay, I'm in this situation. We need to let them know, if we don't make the environment safe for our future generations, then we failed somewhere as a system.
And that's exactly what we are trying to change over here. Nutrition. I have seen people that have been in my life, that have worked for me, that clearly are illiterate and don't have the right education, actually discriminate ki nahi, main apne bete ko malai aur doodh dungi, apni beti ko doodh mein pani dal ke dungi. Kyun? You know, why aren't we providing them the same food, the same nutrition? Why is it that when a girl starts her periods, she stops going to school? Or why is it that a woman is not allowed in religious or holy places when she's... I mean, there are so many things and so many stigmas and so many taboos that we need to break. And I really hope that this starts a very strong journey and we can just keep talking about things because this is our responsibility. Absolutely.